इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर को लेकर कम से कम अब टकराव जो है वो टल गया है, यानी कि हरिभाऊ बागड़े ही अब स्पीकर होंगे महाराष्ट्र विधानसभा के। तो ये टकराव टल गया है। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा था जबकि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था महाराष्ट्र में, तीन तरफा मुकाबला था, क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने, बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। बीजेपी की तरफ से हरिभाऊ बागड़े, शिवसेना की तरफ से विजय आप्टी और कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ मैदान में थी। लेकिन अब शिवसेना ने और कांग्रेस ने ये कहा है कि वो अपने उम्मीदवार वापस ले लेंगे, उनके नाम वापस ले लिए जाएंगे, यानी कि अब रास्ता साफ हो गया है, अब हरिभाऊ बागड़े ही होंगे महाराष्ट्र के स्पीकर। और उसके बाद पार्टी ने इस फैसले के बाद आपको बता दें फिर विश्वास मत साबित करना है आज महाराष्ट्र के सीएम को, देवेंद्र फडणवीस को, उसका भी रास्ता आसान हो गया है। हालांकि शिवसेना ने यह कह दिया है कि वो विपक्ष में वोट करेगी, लेकिन एनसीपी के समर्थन की वजह से आसान हो गया है विश्वास मत हासिल करना देवेंद्र फडणवीस के लिए। तो आज एक अहम दिन माना जा रहा था जिसमें कि टकराव की स्थिति पैदा हो रही थी, लेकिन अब साफ हो चुका है कि कम से कम स्पीकर को लेकर कोई टकराव नहीं होगा।